हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑन गो। टुडे आई एम हियर विद अ न्यू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमिला टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। यूक्लिड्स डिवीजन लेमिला या फिर एल्गोरिथम, उसको यूज़ करके हमें शो करना है द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमें पता ही है, उसका क्यूब, क्यूब भी हमें पता ही है, जैसे ये है 1 का क्यूब ऐसे। सो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, और इसका पहले वाला क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन भी हल्का फुल्का इसका सिमिलर है। तो सबसे पहले हर बार की तरह क्या करेंगे, ए को लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले ए को लेट कर दिया, सपोज कर लो, या फिर सपोज ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। बी को एक बार 3 सपोज कर लो और ए को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर। तो बी को क्यों किया सपोज, सबसे पहले बता दूँ ई डी ए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पता ही हमें क्या होता है, मैंने दूसरे और फोर्थ क्वेश्चन में अच्छे से बताया है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी है ये बी क्यू प्लस आर। अब हमने क्या सपोज किया है कि बी इज इक्वल टू 3 है। सो अब हमें पता है कि आर की वैल्यू 0 के इक्वल या फिर उससे बड़ी और डिवाइजर मीन्स 3 से छोटी। तो पॉसिबल वैल्यूज कौन सी होगी, क्या क्या होगी आर की, 0, 1, 2, ये पॉसिबल वैल्यूज होगी आर की। अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या क्या होगी, ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी। सबसे पहले अब जैसे 0, 1 और 2 है, ये आर की पॉसिबल वैल्यूज है। अब ए के क्या होएगा, पॉसिबल फॉर्म क्या होएगा, पी क्यू तो नहीं 3q + 1 आई मीन विद 0, 1 3q + 1 और 1 3q + 2, क्योंकि 0, 1, 2 है ना, इनको इसमें लगा के देखते हैं, इसकी जगह आर की जगह 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2। अब 3q + 0 इसके अंदर 0 का तो कोई लेने देना नहीं, तो सबसे पहले 0। अब हम देखते हैं ए इज इक्वल टू 3q। ओके, अब दोनों का क्यूब लेते हैं, ए का क्यूब 3q का क्यूब, क्यूब निकालना है ना इसके अंदर, क्यूब शो करना है, तो क्यूब लेते हैं, फिर ए क्यूब इज इक्वल टू 3q³। तो 3 3 जा 9 3 जा 27, क्यूब निकाल दिया q³। ओके, सो अब हम इसके अंदर 9 कॉमन ले लेते हैं, ए क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लिया, 9 9 3 जा 27, 3q³ ये आ गया। अब हम सपोज करते हैं, सपोज दिस ब्रैकेट टर्म बी m, अगर इसको m से लेट करें तो, या फिर सपोज करें तो, सो क्या बन जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m। ओके, सबसे पहले ये बन जाएगा, तो इसके बाद हम आगे क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम कौन सी लेंगे, ए क्यू, हम इसके बाद लेंगे ए क्यू इज इक्वल टू 3q + 1, ए इक्वल टू आ जाएगी 3q + 1, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ए क्यूब इक्वल टू, इसके हमें पता है कि ए का प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, सो यूज़ करते हैं 3 3 9 3 27 q³, ए की जगह आ गया, प्लस में 1 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस में 3 और ए बी, ए बी और ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर बी, तो ए कितना है 3q
का स्क्वायर इंटू में 1 जो भी है, ये भाई इधर का नहीं है, इधर आ जाएगा। और एक और क्या बन जाएगी टर्म, 3ab² 3 a क्या है 3q प्लस में बी स्क्वायर क्या है 1 का 1 ही हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे अभी, तो ये क्या बन जाएगा 27q³ प्लस 1 प्लस 3 3 9 3 3 9 9 3 27 सो 27q² प्लस में ये क्या हो जाएगा 3 3 9 9 q। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी बट कोई ना, तो ये बन गया। अब इसके अंदर 9 कॉमन ले लेते हैं, सो 9 को कॉमन लेते हैं 3q का क्यूब, पूर्व में कॉमन ले लेते हैं इसको, वेट, प्लस में 3q² 19 प्लस में क्यू प्लस में 1। तो अब हम फिर से सपोजिंग दिस ब्रैकेट टर्म एज m, तो क्या बन जाएगा 9m प्लस 1। सो अब हम फिर से एक और लास्ट वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है पॉसिबल फॉर्म तीसरा क्या है 3q प्लस 2। ओके सो टेकिंग a इज इक्वल टू डेट इज पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 2, वैसे ही सेम होल क्यूब क्यूब का फॉर्मूला, तो ये क्यूब क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27 27 q³ प्लस 2 4 2 8 प्लस 3q और 2 वही चीज़ लग जाएगी, तो ये इधर आ जाएगा सीधा 54q² 2 मिनट 3q मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, इधर 3 मल्टीप्लाई में इंटू में 2 और 3q का क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 3 9 9 3 27 28 54। हाँ और प्लस में क्या आ जाएगा, इसको ही सॉल्व करना है, इसको सॉल्व सीधा ही करके बता देता हूँ, इसको सॉल्व करके सीधा आ जाएगा 36q इधर, उसको भी सॉल्व करना है। सो अब इधर क्या आ जाएगा a³ इज इक्वल टू 27q³ प्लस 8 प्लस 54q² प्लस 36q, ये सब आ गया। अब फिर से इसके अंदर कॉमन लेते हैं किसको 9 को, 3q³ प्लस 9 6 54 होते हैं 6q² प्लस 9 4 36 होते हैं 4q प्लस 8। तो अब हम फिर से ये ब्रैकेट वाली टर्म को सपोजिंग दिस ब्रैकेट टर्म एज m, अब इसको m सपोज करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 9m प्लस 8। अब ये भी किसका था a³ का था, ये वैल्यू भी किसकी आई है a³ की आई है, ये वैल्यू भी किसकी आई थी a³ की आई थी। तो अब एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ के देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना था सबसे पहला, सबसे पहले चीज़ है वो हमने यूज़ कर लिया, टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a को हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया था, अब इसका क्यूब इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, अब इसका क्यूब 9m प्लस 1 के इक्वल करना था कर दिया, 9m के करना था कर दिया, 9m प्लस 8 के करना था कर दिया, मतलब हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, सोल्व हो चुका है। तो अब मतलब हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, सो हैंस प्रूव्ड डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है तीनों चीज़ें। ओके सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, दिस वाज 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।